हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनू कसाना एंड दिस इज़ द चैप्टर 4, द मुगल एम्पायर, यानी मुगल शासन, चैप्टर 4, क्लास 7th, आवर पास्ट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर। दिस चैप्टर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप जब भी तक भी कंपटीशन में बैठेंगे तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली एंड कम्प्लीटली। पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें। ओके, लेट्स स्टार्ट। रूलिंग एज लार्ज अ टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सच ए डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर्स वॉज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू एकॉम्प्लिश इन द मिडल एज। तो मीनिंग, किसी भी इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करना जितना कि भारतीय उपमहाद्वीप है, ये वाकई में, और वो भी डाइवर्सिटी ऑफ पीपल्स के साथ, यानी लोगों की जो विविधता है, लोग अलग अलग प्रकार के रहन सहन खान पान को यूज़ करते हैं एंड कल्चर को भी, वॉज एन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टास्क। ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण, वो बहुत ही मुश्किल कार्य था फॉर एनी रूलर, किसी भी शासक के लिए, टू एकॉम्प्लिश पूरा करने के लिए, है ना, इन द मिडल एज, मध्य युग में। मध्य युग में किसी भी शासक को ये काम पूरा करने के लिए बहुत मुश्किल था, बड़ा डिफ़िकल्ट था। तो क्वाइट इन द कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्रीसीडर्स, अपने पूर्वजों के बिल्कुल विरोध, बिल्कुल उल्टा, द मुगल क्रिएटेड एन एम्पायर। जो मुगल्स थे, उन्होंने एक एम्पायर क्रिएट किया, एक शासन किया एंड एकॉम्प्लिश्ड, और पूरा भी किया। व्हाट हैड हिट हेडरो सीम्ड पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट हैड हिट हेडरो, जो अब तक संभव दिखाई देता था फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, केवल छोटे काल के लिए, छोटे समय के लिए, थोड़े से समय के लिए। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली। जो उनका आखिरी का आधा हिस्सा था, मतलब लास्ट वाले हाफ में 16th सेंचुरी के, यानी कि आप ये मान करके चलो कि 1550 के बाद, दे एक्सपेंडेड, उन्होंने एक्सपेंड किया, बढ़ाया देयर किंगडम, अपने किंगडम को, फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली, आगरा से और दिल्ली से, है ना, आगरा और दिल्ली से उन्होंने एक्सपेंड किया। चलिए हम पहले चार फिल इन द ब्लैंक्स ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक अपना ये हो जाएगा, हाँ, यहाँ से, From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi. तो अब आगरा को और दिल्ली को ब्लैंक करेंगे एंड रहने देंगे बीच में, आगरा एंड दिल्ली। चलिए जी, समझ आ गया होगा। Until the 17th century, लेकिन अभी भी 17वीं शताब्दी में, they controlled nearly all of the subcontinent. वो लगभग अभी भी पूरा उपमहाद्वीप को कंट्रोल करते थे। कौन? मुगल। दे इम्पोर्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड देयर रूल। दे इम्पोर्ट, उन्होंने लगाया स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शासन का ऐसा प्रबंध किया एंड आइडियाज और ऐसे विचार लगाए ऑफ गवर्नेंस, शासन के, दैट आउटलास्टेड देयर रूल, जिनसे उनका शासन लंबे समय तक चला। लिविंग ए पॉलिटिकल लेगेसी, अपनी जो पॉलिटिकल लेगेसी थी, राजनीति धरोहर, दैट सक्सीडिंग रूलर्स, जो भी आने वाले जो रूलर्स थे ऑफ द सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप के, कुड नॉट इग्नोर, वो भी उन्हें इग्नोर नहीं कर सके। तो वो इस तरह की धरोहर छोड़ करके गए, मतलब इस तरह का शासन प्रबंध छोड़ करके गए कि जो भी उनके बाद शासक आए उस इस महा उपमहाद्वीप में,
वो उनकी उस शासन व्यवस्था को इग्नोर यानी छोड़ नहीं पाए, उन्हें इग्नोर नहीं कर पाए। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रामपार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली। आज भी क्या होता है, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है ना, वो कहाँ से संबोधन करता है, वो कहाँ से संदेश भेजता है राष्ट्र के नाम ऑन इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस पर, वो वहाँ से भेजता है फ्रॉम रामपर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली। दिल्ली में जो रामपर्ट्स में लाल किला है, वहाँ से द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर। और ये लाल किला क्या था, रेजिडेंस था, निवास स्थान, रहते थे यहाँ पर मुगल एम्परर, है ना, यहाँ पे मुगल शासक रहते थे। ओके चलिए जी, चलिए। अब आ जाइए, हु वर द मुगल्स, मुगल थे कौन। द मुगल वर डिसेंडेंट्स ऑफ द टू ग्रेट लाइन एजेस ऑफ द रूलर। तो मुगल जो थे वो डिसेंडेंट्स थे दो महान लाइन एजेस के, दो महान शासकों की लाइन एजेस के। फ्रॉम देयर मदर साइड, वो अपनी माँ की साइड से तो थे, देवर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान। तो वे चंगेज खान के डिसेंडेंट थे, मतलब वंश के, है ना, उनकी जो डायनेस्टी थी वो चंगेज खान से बिलोंग करती थी मदर की साइड से, है ना, जो डेड हुआ 1227 में, 1227 में। द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ चाइना। और ये जो चंगेज खान थे, इसने रूल किया, हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना, जिन्होंने चाइना के ऊपर रूल किया एंड सेंट्रल एशिया और मध्य एशिया पर, ठीक है। जो चंगेज खान था उसने कहाँ कहाँ शासन किया, चाइना के कुछ हिस्सों पर और मध्य एशिया पर। फ्रॉम देयर फादर साइड, और अपने पिताजी की साइड से, देवर द सक्सेसर्स ऑफ तैमूर। वे तैमूर के सक्सेसर थे, मतलब उसके उत्तराधिकारी के, तैमूर के। तैमूर आप जानते हैं, वही तैमूर है, तैमूर लंग, जो एक पैर से लंगड़ा था उसे तैमूर लंग कहते थे। डेड 1404, ये 1404 में मरा, है ना, चंगेज़ खान 1227 में मरा और ये 1404 में मरा। द रूलर ऑफ ईरान, ये कहाँ का शासक था, ये ईरान का शासक था, इराक और इराक का, एंड मॉडर्न डे तुर्की, और जो आज तुर्की कहा जाता वहाँ का, तो तुर्की तुर्किस था। हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल, लेकिन मुगलों को मुगल कहलाना या मंगोल कहलाना पसंद नहीं था। दिस वॉज बिकॉज चंगेज खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैकर ऑफ इनुमेरेबल पीपल। क्योंकि जो चंगेज खान की जो याद थी, याददाश्त थी, वो जुड़ी हुई थी लाखों हजारों लोगों के, बहुत सारे लोगों की मृत्यु के साथ, बहुत सारे लोगों को उसने मारा था, इसलिए मतलब उनकी निर्मम हत्या की थी, उससे उनकी जुड़ी हुई थी वो जो याद थी। ऑल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक्स देयर मंगोल कंपिटिटर्स। और ये उनके जो एक कंपिटिटर था, उनका जो मतलब विरोधी था, उज्बेक्स, उनसे भी जुड़ी हुई थी, जो उनके विरोधी उज्बेक्स थे उनसे भी ये जुड़ी हुई थी उनकी स्मृति। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द मुगल्स वर, मुगल्स जो थे वो थे, है ना, वी विल डिस्कस दिस पिक्चर लेटर। ओके अभी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा आगे। प्राउड ऑफ देयर टिमुरिड एंसेस्ट्री, और उन्हें मुगलों को गर्व था अपने तैमूर होने पर। नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज दियर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। और इसका क्या कारण था, इसका सबसे बड़ा कारण था कि उसके जो उनके जो शासक थे, उनके जो पूर्वज थे, उसने एक बार दिल्ली पर अधिकार किया 1398 में। दे सेलिब्रेटेड दियर जेनियोलॉजी पिक्टोरियली, और वे जो अपनी जेनियोलॉजी थी, मतलब अपनी जो वंशावली थी, उसे पिक्टोरियली यानी चित्र के रूप में सेलिब्रेट करते थे।
ईच रूलर गेटिंग ए पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ टेक ए लुक ए फिगर टू। पीछे वो जो हमने अभी बताया था पिक्चर दिया हुआ है उसमें एक बीचों बीच तैमूर है और अपनी एक पिक्चर वो उसमें ऐड कराते रहते थे विच इज समवाट लाइक ए ग्रुप फोटो, और वो एक ग्रुप फोटो के जैसा बन रहा बनता चला गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है ये, और इसमें बीच में तैमूर है और बाकी धीरे धीरे साइडों में ऐसे ही मुगल शासक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में हमें ए मिनीचर पेंटिंग, एक मिनीचर पेंटिंग है ना, देते थे 1712 1702 से 1712 तक बनी है और तैमूर तैमूर हिज डिसेंडेंट्स उसके जो भी वंशावल थे एंड द मुगल एम्परर और जो भी मुगल एम्परर थे, तैमूर इज इन द सेंटर, तैमूर बीच में बैठा हुआ है ना, दूसरा आपको गोले वाला। एंड ऑन हिज राइट इज हिज सन मीरान शाह, और उसके सीधे हाथ की तरफ है मीरान शाह द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर्स ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, बाबर के दादा का दादा। एंड देन अबू सैद, और फिर अबू सैद है बाबर का दादा। टू द लेफ्ट ऑफ तैमूर आर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, और उसके बाईं तरफ है सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर का ग्रेट ग्रैंडफादर। एंड उमान शेख उमर शेख बाबर फादर, उमर शेख बाबर का पिता। द मुगल एम्परर एम्परर बाबर, फिर मुगल एम्परर बाबर है, अकबर एंड शाहजहाँ हैं, आर द थर्ड 30 नंबर का। फोर्थ एंड फिफ्थ इंडिविजुअल्स ऑन तैमूर्स राइट एंड ऑन हिज लेफ्ट, जो चौथे और पाँचवें नंबर पे हैं तैमूर के राइट और लेफ्ट में इन द सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर में आर हुमायूं जहांगीर एंड औरंगजेब। ठीक है, तो आप इस वाले पिक्चर को देख करके समझ लेंगे किस किस के कौन कौन से। चलिए आइए फिल इन द ब्लैंक्स भी लेना है। मुगल मिलिट्री कैंपेन, जो मुगल्स के सैनिक अभियान थे। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, बाबर जो था वो पहला मुगल एम्परर था 1526 से 1530, ये वाला टाइम आप इसमें ब्लैंक कर सकेंगे और ये इसे आप लिख लेंगे फिर इसमें ब्लैंक। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर और ब्रैकेट 1526 से 1530, ये आपका ब्लैंक में लिखना है। ओके, सक्सेडेड द थ्रोन ऑफ द फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर ओल्ड, और उसने एक जगह है अफगानिस्तान में फरगना, फरगना के राजगद्दी पर बैठा, फरगना का शासक था जब वो केवल 12 साल का था। कौन? बाबर। ही वाज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ अनदर मुगल ग्रुप, मंगोल ग्रुप, और उसे अपना जो राजगद्दी थी, अपनी जो मतलब अपना जो शासन था वो छोड़ करके भागना पड़ा क्योंकि एक और दूसरा मंगोल ग्रुप था वो उस पर आक्रमण कर रहा था, चढ़ाई कर रहा था, इन्वेशन कर रहा था, है ना। द उज्बेक्स, जो कि उज्बेक थे, है ना, मैंने बताया था कि उज्बेक उनके कंपटीटर्स थे। आफ्टर ईयर्स ऑफ द वंडरिंग, और सालों के इधर उधर घूमने के बाद, सालों इधर उधर भटकने के बाद ही साइज्ड काबुल इन 1504, वह 1504 में काबुल पहुंचा। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान को डिफीट किया, है ना, मतलब हराया, इब्राहिम लोदी, जो जहां इब्राहिम लोदी का शासन था उस समय इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था 1526 में, और बाबर ने उसे हरा दिया, है ना, जो कि पानीपत का पहला युद्ध हुआ, एट पानीपत, पानीपत में, तो ये पानीपत का फर्स्ट वॉर था। एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा, और उसने दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, तो अभी आपको एक ये लिखना है कि इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी, ब्लैंक करेंगे इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये थर्ड हो गया हमारा, है ना। चलिए जी,
आगे बढ़ें। और इस वीडियो के लिए आपका जो कोड रहेगा वो रहेगा, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लो अगस्त में, अगस्त के महीने में आपका डेट ऑफ बर्थ, तो AUG, ऐसे AUG और आपके टी, ऐसे एक साथ TAUG। ओके, अगर मान लो सितंबर में है तो TSEP। ओके, ऐसे। चलिए टेबल 1, टेबल 1 चार्ट्स सम ऑफ द मेजर कंपेन्स ऑफ द मुगल। मुगलों के कुछ कंपेन जो थे, जो कुछ थोड़े उनके थे कि भाई सैनिक अभियान, वो एक चार्ट में दिखाए गए हैं, टेबल 1 में दिखाए गए हैं। ठीक है, यहीं कहीं आसपास में होगी, बाद में देख लेंगे। ओके, अच्छा, स्टडी इट केयरफुली, से ध्यान से पढ़ना है, एंड सी इफ़ यू कैन नोटिस, और देखना है कि तुम यदि नोटिस कर पाओ, एंड एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न्स, कोई लॉन्ग टर्म पैटर्न है ना, पैटर्न कहते हैं जो रिपीट होता हो, यू विल नोटिस, तुम देखोगे, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, दैट द अफगान्स वर एन इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी। जो अफगान थे उस समय की सबसे बड़ी थ्रेट थे मुगल अथॉरिटी के लिए, मुगल शासन के लिए। नोट द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की वजह से नहीं, बिटवीन द मुगल एंड द अहोम, जो मुगल और अहोमों के बीच में था उसकी वजह से नहीं, द सिख एंड मेवाड़, सिखों के और मेवाड़ की वजह से, एंड मेवाड़, और मेवाड़ क्या था, महाराणा प्रताप का राज्य था, है ना। हाउ वाज हुमायूज रिलेशनशिप विद सफेविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स। हाउ वाज हुमायूज रिलेशनशिप, जो हुमायूं के जो रिलेशनशिप था, रिश्ता था, संबंध था, वो किस तरह से अलग था विद सफेविद, जो सफेविद के साथ ईरान में था, अकबर के मुकाबले। अकबर के मुकाबले हुमायूं का जो संबंध था सैफविद के साथ, है ना, ईरान के सैफविद के साथ, वो किस तरह से अलग था। डिड दी अनेक्शन ऑफ गोलकोंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब्स रीजन एंड हॉस्टिलिटी इन द डेक्कन। यस, तो अनेक्सेशन ऑफ द गोलकोंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब्स रीजन, जो औरंगजेब की शासनकाल था, रीजन मतलब सॉरी रीजन नहीं, रेन रेन औरंगजेब्स रेन, औरंगजेब के शासन अवधि में, एंड हॉस्टिलिटी इन द डेक्कन, और डेक्कन की हॉस्टिलिटी। ठीक है, आ जाइए, ये है आपका मुगल एम्परर का फर्स्ट चार्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इसे पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके। आज हम पढ़ेंगे मुगल एम्परर बाबर के बारे में, शॉर्ट में, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो 1526 से 1530 तक शासक रहा। 1526 डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। उसने 1526 में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान सपोर्टर्स को डिफीट किया पानीपत में। 1527 डिफीटेड राणा सांगा राजपूत रूलर एंड अलाइज एट कोना कनौज। और 1527 में उसने राणा सांगा को डिफीट किया, जो राजपूत रूलर था, और कनवा के साथ, खानवा के साथ, कनवा ने खानवा, खानवा के साथ अलाइज किया, अलाइज कहते हैं संधि। 1528 डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी, और उसने 1528 में चंदेरी में राजपूतों को फिर से डिफीट किया, इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा, और आगरा के ऊपर अपना अधिकार जमाया, एंड दिल्ली और दिल्ली पर बिफोर ही डेथ अपनी मृत्यु से पहले। ठीक है, तो ये बाबर का था, उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, एक और ले लीजिए, इसमें ये वाला 1527 डिफीटेड राणा सांगा राजपूत रूलर एंड हिज लाइव एट खानवा, खानवा को ब्लैंक कर लेंगे, खानवा को ब्लैंक कर लेंगे, चार आपके ब्लैंक हो गए। आज नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टू पॉइंट 6 आंसर का क्वेश्चन जो भी होगा ले लेंगे। और थैंक यू वेरी मच।